आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इलाज में लापरवाही, कांग्रेस नेता ने दी तीखी प्रतिक्रिया। सिंगरौली जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर में लगातार 3 मौतों ने इलाज के तरीकों पर सवाल खड़ा कर दिया। परिजनों ने भी अस्पताल व जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज नहीं किया गया, तमाम लापरवाही की गई। सभी मृतक हुए व्यक्तियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के घुड़कुड़ निवासी संजय उपाध्याय की अभी हाल ही में शादी हुई। शादी के बाद दुल्हन बड़े अरमान के साथ ससुराल पहुंची थी और हाथों में मेहंदी भी नहीं छूटी और सब कुछ छिन गया। शादी के बाद संजय की अचानक तबीयत खराब हुई। संजय को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां कोरोना का इलाज शुरू हुआ। हालांकि 30 दिनों तक चले इलाज से संजय की तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन फिर से अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर बाद मौत हो गई। बता दें कि ऐसे ही जिले के चितरवई निवासी मरीज दल बहादुर पांडे भले चंगे थे, लेकिन उनकी भी ऐसे ही मौत हो गई। उसके बाद स्थानीय बैढ़न पुराना गल्ला मंडी में स्थित मंदिर के पुजारी भी असमय काल के गाल में समा गए। सूत्रों का कहना है कि आखिर रात में ही क्यों सबकी स्थिति खराब होती है, ये जांच का विषय है। तीनों मरीज रात में स्वस्थ थे और सुबह होते ही दम तोड़ देते हैं। इस कोरोना संक्रमण में CMHO NK जैन बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। बताया जा रहा है वह अस्पताल में देखने तक नहीं जाते। मरीजों की स्थिति का पता लगाना तो दूर, सूत्रों का कहना है कि वह कलेक्ट्रेट के अधिकारियों की बात तक नहीं सुनते। वहीं सूत्रों का कहना है कि कोरोना मृतकों के सरकारी आंकड़े व स्वग्रह के आंकड़े आपस में बिल्कुल भी तालमेल नहीं खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने जिला चिकित्सालय व डॉक्टरों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गैर जिम्मेदार CMHO पर क्यों नहीं हो रही कार्यवाही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को तत्काल ही इस अव्यवस्था को सुधारना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। MPC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए सिंगरौली से विपिन सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के नौजवानों की मृत्यु, पहले दुर्गा मंदिर के पुजारी, फिर इसके बाद उपाध्याय जी, तमाम ऐसे नौजवान जो स्वस्थ हैं और कहीं ना कहीं चिकित्सक व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था की लापरवाही के कारण जो मृत्यु बढ़ रही है, यह निश्चित तौर पर जिले में एक विचारणीय पहलू है। और बार बार जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है, ऐसे में शासन प्रशासन को अस्पताल प्रबंधन के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है और जांच का विषय है, अतः इसे जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और तत्काल जो अव्यवस्थाएं अस्पताल जिला ट्रामा सेंटर में फैली हुई हैं, बार बार प्रशासन से सिंगरौली जिला का हर आम आवाम, हर नागरिक ये मांग करता है कि उसके दुरुस्त कराने की कृपा करें। ट्रामा सेंटर एक गरीब असहाय किसान मजदूर के लिए संजीवनी है और वहाँ पर यदि डॉक्टर लापरवाही करते हैं तो निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश की जनता, सिंगरौली जिले की जनता के साथ अन्याय है।